बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। रविवार को कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। गोरखपुर, देवरिया और संतकबीर नगर में वज्रपात की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 22 लोग झुलस गए। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे व देहात में सोमवार की सुबह तेज बरसात हुई है। बरसात से गलियों में पानी भर गया। बरसात होने से लोगों ने गर्मी से राहत ली है। कल से उमस ने परेशान किया था। मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ केंद्र के अनुसार पश्चिमी यूपी में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस तरह से रविवार दोपहर 1 बजे तक पूरे प्रदेश में 63.3 मिमी बारिश हुई। पूर्वानुमान के अनुसार 1 जुलाई को अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में चमक गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, मगर 1 mm से कम बारिश हुई है। रविवार को बादलों की आवाजाही चलती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। दिन में धूप निकलने से उमस बढ़ गई। शाम को बूंदाबांदी होने से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। सुबह धूप निकलने के बाद घने बादल छाए, भारी बारिश होने की संभावना बढ़ गई, मगर बिन बारिश के बादल आगे बढ़ गए। दिन में कई बार घने बादल छाए, काली घटाएं दिखाई देने लगी। कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी के बाद हवा चलने लगी। न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में धूप निकलने से उमस बढ़ गई। शाम 4 बजे के बाद दोबारा मौसम बदल गया और काली घटा छा गई। सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी MG रोड पर बूंदाबांदी हुई। हवा चलने से मौसम खुशनुमा हो गया, मगर बारिश नहीं हुई।